रामनवमी को शांति और सौहार्द वातावरण में मनाने को लेकर नीमियाघाट थाना परिसर में किया गया शांति समिति का बैठक। रामनवमी को शांति और सौहार्द के वातावरण में मनाने को लेकर नीमियाघाट थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता सीओ धनंजय गुप्ता व संचालन थाना प्रभारी साधन कुमार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से SDPO मनोज कुमार, प्रमुख उषा देवी, आजसू विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, जीप सदस्य धनंजय प्रसाद, झामुमो नेता बरकत अली, भाजपा नेता दिनेश महतो, डालोराम महतो आदि उपस्थित थे। बैठक में दोनों समुदाय के दर्जनों लोग उपस्थित थे। लोगों से रामनवमी व नवरात्र को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हुए किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने, नशा का सेवन नहीं करने, निर्धारित रूट से ही अखाड़ा जुलूस निकालने, DJ नहीं बजाने, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट नहीं डालने, ऑनलाइन गाना को नहीं बजाने, भड़काऊ व फुहर गाना नहीं बजाने, अखाड़ा जुलूस में आग का प्रयोग नहीं करने, अखाड़ा का बैनर लगाने, लाइसेंस सत्यापन कराने, जुलूस का वीडियोग्राफी कराने की अपील की गई, जबकि सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि कोई भी वह हम सबको आपसी भाईचारे का संदेश देता है, साथ ही पर्व आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। इस दौरान पंसद शंभुनाथ महतो, ऋषिकेश चौधरी, दिलीप कुमार, जमाल अंसारी, अब्दुल अंसारी, जितेंद्र यादव, दिवाकर पांडे, डालेश्वर गौ, मौजीलाल महतो आदि उपस्थित हैं। रामनवमी इसको चैत्र दुर्गा नीमियाघाट थाना परिसर में शांति समिति के बैठक का नाम रखी है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि, सारे शांति समिति के सदस्य और सभी अखाड़ों के हम लोग, जिसमें सभी को लाइसेंस में दिए गए नियम हैं, सरकार के जो नियम है दिशा निर्देशों को दिया गया है। इसके अलावा DJ शांतिपूर्ण ढंग से उसको निकालें और निर्धारित रूप से निकालें, कोई नए उसका अनुमति नहीं होगा। सारी जो डायरेक्शन है और पुलिस जगह जगह पे बैरिकेडिंग वगैरह करेगी, पर्याप्त दंडाधिकारी और पुलिस बल की जा रही है। और इसके अलावा कार्यालय इसमें और कंट्रोल रूम जो है 24 घंटे।